उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम का उपयोग कर संघ के कुछ अनुयायियों के साथ करीब 8 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है और इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड मीरा फडणवीस है, ऐसा आरोप सुभाष मंगतानी और मनिक पांडे ने आज आयोजित पत्र परिषद में लगा है। यह मामला 2020 का है। मामले में करीब दर्जन पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला प्रचारिका मीरा फडणवीस और उसकी बेटी शर्वरी फडणवीस ने अनिरुद्ध होशिंग नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर नागपुर और यवतमाल के लोगों को पर्यटन विभाग में गाड़ियां लगाने के टेंडर के नाम से करोड़ों रुपए से फंसाया है। खास बात यह है कि मामले में निवेशकों ने लोन देकर यह राशि जुटाई थी, फिर उस राशि को मीरा फडणवीस ने बताए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी थी। सुभाष मंगतानी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत राज्य के उप मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ साथ नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से की है, मगर अब इस मुलाकात को 4 महीने बीत गए हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई है। मैं सुभाष रूपचंद मंगतानी कामठी में निवास करता हूं। अभी हाल ही में हमारे परिचित जो भी संघ के कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें मीरा ताई से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्कीम के बारे में बताया था। फिर रेडिसन ब्लू में उन्होंने बताया कि मीटिंग है, आप लोग आओ। वहाँ पे ऑफिशियल जो पर्यटन विभाग के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे हैं अनिरुद्ध होशिंग करके, उनके साथ में मीटिंग हुई तो उन्होंने पूरे हमें ब्लैक एंड व्हाइट बताया कि आज तक इसमें बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं उनके पैसे इन्वेस्ट होते हैं लेकिन बाहर ओपन में नहीं आता है। उन्होंने बहुत से प्रूफ दिखाए हमें, इनविटेशन कार्ड्स दिखाए, उनके नाम दिखाए, तो सब लोगों का उसमें डिस्कशन हुआ। फिर मीरा ताई ने एश्योरेंस लिया कि आप डालो, बोले मैंने भी पैसे डाली हूँ और सब लोगों ने पैसे डाले हैं, ऐसा करके सबके पैसे उसमें उन्होंने बताए। उसके ऊपर धीरे 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 और उन्हें वो हमें विश्वास दिलाते गए तो 3-4 बार में सबने मिला के पैसे अलग अलग वे में डाले। ये प्रकरण चल रहा है नवंबर 2021 से, अक्टूबर या नवंबर 2021 से। पहले उन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं और यवतमाल के उनसे डलवाए, फिर धीरे धीरे संघ के जितने स्वयंसेवक हैं उनके परिचित उनसे पैसे डलवाए, फिर ऐसे एक दूसरे का विश्वास आते गए तो हम लोग उसमें निशंक होकर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पक्के में, कच्चा पैसा एक भी नहीं है किसी का भी। और उन्होंने 5-6 अकाउंट दिए थे कि इसमें डालना है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के आपके उसमें इनोवा लगेगी, ट्रैवलर टेम्पो ट्रैवल लगेंगे, रेलवे के आपको उसमें क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 5 सालों का। ऐसे उन्होंने भरपूर हमें आश्वासन दिए कि सब काम ट्रांसपेरेंसी से और पक्का है, और उन्होंने लिंक के थ्रू MOT टूरिज्म डिपार्टमेंट का फॉर्मेट भेजा जिसमें भर के हमें भेजना था, वो भी हमने उनको भर के भेजा। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आपका सबका प्रधानमंत्री जी खुद आके आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे टेंडर का, ये तारीख को कभी 18 अगस्त को बताया, फिर 11 नवंबर 2022 को, फिर जनवरी 2023 में, ऐसे कर करके अलग अलग डेट को उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है इसलिए बार बार वो डेट चेंज करते गए, हमें भी विश्वास होते गए। वही दूसरी फिरियादी महिला मनिक पांडे ने बताया कि उन्होंने यह राशि लोन लेकर जुटाई और अब उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। इस लोन का ब्याज ही उन्हें महीने का 12 लाख देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मीरा फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 25 सालों से जुड़ी हुई थी और उनकी काफी करीबी थी, मगर फिर भी उन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी की है। अब उनके सामने सवाल है कि यह लिया हुआ लोन वह कैसे चुकाए। नमस्कार, मैं माणिक पांडे, जिल्हा क्रीडा मंत्री म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे क्रीडा भारतीचं, आणि मीरा फडणवीस हे क्रीडा भारतीचे प्रांत मंत्री म्हणून तिच्याकडे जबाबदारी होती, आता सध्या नाही आहे कुठली जबाबदारी ती, आणि मी समितीमध्ये तिची सह काय म्हणता येईल त्याला आपलं प्रचारिका म्हणून तिच्याकडे जबाबदारी होती, आणि मी तिला तिच्यासोबत 15 वर्ष झाले हे सगळं कार्य आम्ही दोघी मैत्रिणी म्हणून सोबत सतत असायचो। तर या याच्यामध्ये वरोऱ्याला एक प्रांत बैठक होती, त्या प्रांत बैठकीतून ती आणि मी दोघीजणी सोबत येत असताना तिने पर्यटन माझं आणि तिचं बोलणं झालं की मुलीचं लग्न ठरलेलं आहे, तर थोडी आर्थिक अडचणीचा सगळा सामना करावा लागतो आहे, करोनामध्ये थोडंसं माझे मिस्टरांचं जे पेपर एजन्सीचं जे काम होतं ते कमी झालं आणि LIC काम माझं थोडं कमी झालं असल्यामुळे आर्थिक अडचणी थोडी येत होती, तर बा कुठून अर्निंग होऊ शकेल का असं तिचं माझं असं बोलणं झालं होतं। तर 2 दिवसानंतर तिचा फोन आला आणि तिने सांगितलं मला की पर्यटन विभागामध्ये सल्लागार समितीवरती माझी नियुक्ती झालेली आहे,
आणि तुला जर गाड्या लावायच्या असतील तर दोन इनोवा क्रिस्टा या आहेत। सरकार हर बार विभिन्न विज्ञापन से लोगों को जागरूक करता है कि इस तरह के लुभावनी योजनाओं से दूर रहें, मगर फिर भी लोग कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस तरह के मामले में फंस जाते हैं। इस मामले में राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम खराब हो रहा है। जरूरत है कि खुद फडणवीस इस मामले में ध्यान दें और पीड़ित को न्याय दें। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।